हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे मौजज़ात हैं, आपको बुखारी मुस्लिम में हदीस मिलेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना खजूर के तने के साथ टेक लगा के जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक सहाबी ने या एक सहाबिया ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके लिए मिंबर ना बना दें। फरमा बना दो। तीन सीढ़ियों वाला मिंबर बना दिया गया। हुजूर मिंबर पर जलवा फिराज हुए और जिस तने के साथ टेक लगा के खुतबा देते थे उसके करीब से गुजर के गए तो सहाबा फरमाते हैं वो इस तरह रोया जिस तरह बच्चा रोया करता है। उसका दिल था जिसने महसूस कर लिया कि मैं बिछड़ गया हूँ, उसकी आंखें थी जिससे उसने आंसू बहाए, उसका सीना था जहां से हिचकियों की आवाज आई थी, खजूर का तना खुश्क, लेकिन हुजूर करीब से गुजर गए ना तो वो रो पड़ा कि मुझे ये सआदत मिलती थी तो अब ये क्या कैफियत हुई। सहाबा किराम अली मुरीदान फरमाते हैं हमें तो समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, पर जो जो उनसे प्यार करे वो तो जानते हैं ना कौन कौन करता है और किसकी कैफियत क्या है इसका भी उन्हें पता है। हुजूर मिंबर से उठे तो सहाबा फरमाते हैं जिस तरह माँ बच्चे को गोद में लेके चुप कराती है तो वो चुप कर जाता है ना, इस तरह हुजूर ने उसे सीने से लगाया और जब तसल्ली दी तो वो चुप कर गया। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये जुमले मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं इसे चुप ना कराता तो ये कयामत तक रोता ही रहता, ये रोता रहता कयामत तक। ये कैफियत है रसूल करीम के मौजज़ात की कि वो तना जिसके साथ हुजूर सिर्फ टेक लगा देना उसके अंदर हिस पैदा हो जाती है, और सिर्फ इंसानियत की नहीं इश्क की हिस पैदा होती, गुलामी की हिस पैदा हो जाती है।